ये सरकारें ना वो गरीबों का नहीं सुनती, अपना हक मांग रहे ना, इसलिए हमें यहाँ से भगाने की कोशिश चल रही है। ये देश युवाओं का भी नहीं है, गरीबों का नहीं है। घर तो हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, एक तो हमारी अर्थी जाएगी या तो वर्दी जाएगी, ये तो हमने तय करके आए थे। पुलिस वाले आते हैं धमका के जाते हैं कि चले जाओ दिल्ली छोड़ो, जैसे कि दिल्ली सिर्फ पुलिस वालों की है। अभी भी बात यही हो रही है कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हमारे इलेक्शन जीत जाने दो, हम नौकरी दे देंगे। सर, एक लोकतांत्रिक देश है ऐसा बोलने के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। सरकार को सीधी तरह से कुछ भी समझ नहीं आता। जब कुछ चाहिए ना इस इंडिया में, तो अभी यहाँ से आगे बस एक ही ऑप्शन है, प्रोटेस्ट करना, अनशन पर बैठना। जब ऐसा होगा तभी सरकार सुनेगी। यहाँ आगे से भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जो अगली पीढ़ी है उनको भी ऐसा करना। सर, देश की हालत अभी बिगड़ चुकी है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन तभी सरकार नहीं सुनती। सरकार जब सुनेगी उसके फायदे का जो होगा। सर, हमने 2 महीने से यहाँ पे है, प्रोटेस्ट कर रहे, मंत्री के पास जा रहे, संसद में जा रहे, जहाँ ना था हमें ट्राई किया है, लेकिन नहीं सुन रही हमारा। आपको लगा था ये इतना मुश्किल होगा? कभी सोचा था देश में इतना मुश्किल होगा, देश के अंदर नौकरी मांगना? कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब तो देख रहे हैं सब। क्या क्या किया आप लोग, कहाँ कहाँ गए, मैं चाहूँगा बताए आप। सर, 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं हम सभी सांसद से मिले हैं, मंत्रियों के लिए, इतना ही नहीं सर, राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र भी दे चुके हैं हम। बहुत बड़ी बहुत सिग्नेचर कहीं भी हो जाए तो कुछ भी हो, लेकिन कुछ अभी तक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। सर, जब प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं ना, हमें 2 आवर की परमिशन मिलती है, और 2 आवर में हम क्या करेंगे? अच्छा, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन सर एक दिन की जर एक दिन के दो तीन आवर्स क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। और जब परमिशन हमारी ख़त्म हो जाती है ना, तब 3 घंटे होते हैं ना, तब पुलिस हमें लाठीचार्ज करती है। तो उस 3 घंटे में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते सर। बहुत कुछ किया है अभी तक, लेकिन कुछ हाथ में तो नहीं मिला। बट अभी तो हमारे बस में बस पॉजिटिव थिंकिंग है, हम करेंगे। कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती, करेंगे। कहाँ तक जाएंगे अब आप लोग, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम हो चुका है, बहुत मेहनत हो चुकी है, अब और कहाँ तक जाना होगा नौकरी के? सर, अभी तो सब कुछ किया है सरकार ने मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि सब हमारे पास जो होते हैं ना हमारे न्यूज़ लेने के लिए, वो नेशनल की मीडिया नहीं आती। सब जो होते हैं ना, तो नेशनल की मीडिया क्यों, सरकार ने उस पर प्रेशर किया है कि मीडिया भी अपनी बना ली। मीडिया को बोलते हैं चौथा हिस्सा होता है, लगता है बचा है देश में, वो मीडिया भी सरकार ने उसकी कर ली। अभी तो क्या होगा यार, कुछ समझ नहीं आता सर, क्या चल रहा है देश में। चाहूँगा आपने, अच्छा आप दिल्ली आए, आपने दो महीने में बहुत कुछ समझा होगा, जो आप 2 महीने से पहले आपकी सोच क्या थी और अब क्या थी, क्या फर्क आया सर? बिल्कुल सर, ये मैं यहाँ आकर एक ही देखा, ये देश ना है गरीबों का नहीं, जो सरकार होती ना, ये सरकार है ना वो गरीबों का नहीं सुनती, उसका फायदा होता है उसी का सुनती है, तो हमारा नहीं सुनेगी मालूम है, लेकिन अपने ही फायदे की वो सुनती है। अच्छा, पहले क्या देखते थे आप लोग, पहले यहाँ से आने से पहले क्या उम्मीद लेके आए थे कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाएगा? हाँ सर, देखा था 4-5 दिन में हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम तो कुछ अलग नहीं मांग रहे थे, हम तो घर में ऐसा थोड़ी ना, हमने घर में बैठे थे और यहाँ चले आए और सरकार को बोले हमें जॉब दो, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमें ये मालूम था कि हमने टेस्ट पार चुके हैं, रिटर्न पास किया है, फिजिकल पास किया है, रिटर्न पास किया है, और सब मेडिकल फिट है, चाहे भर्ती के प्रोसेस है वो सब हमने पार कर दी। लगता था कि 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तो यही बस यही समझ आया है, देश युवाओं का भी नहीं है, गरीबों का नहीं है। लगता है आपको कि अब देश युवाओं और गरीबों का नहीं बचा है? ओ सर, ऐसा बोलते कि लोकतांत्रिक देश, अब वो मुझे मेरे सामने तो ऐसा क्वेश्चन पड़ रहा है, क्या लोकतांत्रिक सच में लोकतांत्रिक है? जैसे बदला हुआ माहौल आपको लग रहा है कि हो गया है? मैं अभी जैसा इन्होंने बताया, आप लोग 2 महीने से आप लोग यहाँ भटक रहे हो,
अब क्या स्थिति, क्या कुछ समझ में आता है जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, कुछ आगे का समझ में आता है कि अब ये करेंगे, ऐसा होगा तो कुछ करेंगे? सरकार से उम्मीद लगा के आए थे, मतलब जब हमने वोटिंग किया था, मोदी जी को वोटिंग किया था कि चलो भाजपा आ जाएगा तो मतलब जो बुरे दिन हैं वो निकल जाएंगे, कुछ अच्छे दिन आएंगे, ये उम्मीद पर बैठे थे हमने, मतलब युवाओं ने सोच के कुछ मतलब वोट किया था उनको कि चलो भाई मतलब नौकरियां कम से कम मिल जाएंगी, मतलब जो पड़े हुए हैं उनको खामखा मतलब थोड़ी बहुत तो मतलब वैकेंसी मिल जाएगी तो मतलब उनका करियर बन जाएगा। चलो हमारा तो बात की मतलब कोई परेशानी है नहीं, लेकिन सोचो अगर जिनका एज बार हुआ है, ये 4 साल में कोई भर्ती निकली नहीं है, ऊपर से कोई फॉर्म अप्लाई भी कर नहीं सकते, अब ये लोग का एज बार हो चुका है तो इनको मतलब कौन सी जॉब मिलेगी, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने की उनकी मतलब एज भी निकल चुकी है कि आगे चलो फॉर्म भर देंगे तो मतलब आगे वाली भर्ती दे देंगे। जब हमने 2018 में रिटर्न पास किया था, जब उसकी मेरिट लिस्ट लगी थी और वो मेरिट लिस्ट में हम बैठे थे, तब हम कंफर्म हो चुके थे, मतलब हमारा तय हो चुका था कि चलो फौजी बन ही गए, मतलब पूरे गांव से लेके मतलब सारे रिश्तेदारों तक सबको पता चला है कि हम फौज में भर्ती हो चुके 2018 में। मतलब तब से लेके अभी तक उम्मीद लगाए है कि हम ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हम जाएंगे, मतलब जब रिटर्न मतलब हुआ था हमारा, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था, ये तीनों टेस्ट हमने पार कर दिए थे, ये मतलब तीनों मतलब लिस्ट लगी थी, वो लिस्ट में हमारे नाम थे। जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी, जब मतलब सब कट ऑफ वगैरह लगा के, तब हमारा नाम कट गया। मतलब एक तो पहले गलती मतलब सरकार की है, हमारी तो नहीं है, क्योंकि एक तो पहले वो लोग ने रिटर्न में हमें निकालना था, फिजिकल में निकालना था या तो मेडिकल में निकालना था, लेकिन ये तीनों टेस्ट हमने जब पार किए उसका बाद हमें निकल गया, मतलब निकाला दिया गया, तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना। अब आगे ये वो करेंगे क्या, इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे अगर आप जहाँ पे हो, कस्बा जिला, वहाँ पे तो लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हाँ हो सब मतलब अब भी नहीं, ये 3 साल पहले ही हो चुका है कि जब हमने रिटर्न पास किया था और रिटर्न की मेरिट लिस्ट लगी थी, तब जब मेरिट लिस्ट में नाम आया था तब भी हम डिक्लेयर किए, मतलब घर में सब बोल दिए थे कि चलो फौजी बन ही चुके हो, लेकिन ये उम्मीद हमारी सरकार ने तोड़ दी है। अब देखिए सपना बहुत बड़ा था, अगर बात करें हर कोई यही कह रहा है कि ये सपना हमने बचपन से देखा, सपना अभी दिखाई नहीं दे रहा आगे मुझे। ये सपना नहीं था हमारा, जुनून है देश खातिर कुछ करने का, तिरंगे में लिपटने का, मतलब कभी खुद की जान के बारे में सोचे नहीं कि हमें आगे जाके वो मतलब वो रिस्की काम है। एक फौजी बनना कोई आसान बात नहीं होती है, हमने तो पैरामिलिट्री में मतलब अप्लाई किया था, उसकी फोर्स मतलब मतलब नक्सलियों में या मतलब बाहर ऐसे लगती है जहाँ पे जान का ज़्यादा खतरा रहता है, वैसे में हम जाना चाहते हैं ना, कि हम हमारी खुशियों के खातिर वहाँ पे नहीं जाना चाहते, बस एक मतलब देश खातिर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते कि भारत में जो लोग रहते हैं वो दुर्बल नहीं है, वो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, मतलब एक इंसान मतलब पूरी दुनिया पूरी कायनात पलट सकता है। एक फौजी मतलब फौजी में मतलब बोलते हैं ना, मतलब भीम बोले थे महाभारत में था, उसका जैसा बल है हर एक इंसान में, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। तो हमने बोला था कि हमने चलो भारत में ऐसे युवा है कि चलो अपना मतलब गुण बाहर ला रहे या देश खातिर कुछ करना चाहते, ये बड़ी बात है, हर कोई नहीं करता है, हर कोई इतनी कुर्बानियाँ नहीं देता है अपनी, मतलब जवानी कोई बर्बाद नहीं करना चाहता है, नॉर्मल सी बात है। तो जवानी खुद की बर्बाद करके वो कुछ बनना चाहता है, देश खातिर कुछ करना चाहता है, तो सरकार की आड़े आ रही है, क्यों उनको आगे बढ़ने? शायद सरकार रोजगार की बात करके यहाँ सरकार को पता ना चले, बात सिर्फ कर सकती है, दे नहीं सकती है। 2 करोड़ युवा मतलब बोल रहे हैं कि वैकेंसी खाली होगी, मतलब वो भर देंगे मोदी जी। 2 करोड़ की भी बात कर रही, तो यहाँ पे मतलब 200-250 भी लड़के अभी यहाँ पे है ही नहीं, उससे भी ज्यादा कम है, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, तो इतने युवाओं को कहाँ से लाएंगे? वो लगता है कि सिर्फ जुमला चल रहा है, सिर्फ बातें हो रही है। अगर आगे भर्ती निकल भी गई तो फिर से फॉर्म भरेंगे, पैसे वेस्ट होंगे, फिर से कुछ ऐसा गफला हो जाएगा, फिर से वो लोग का मतलब जिनको ज़रूरत नहीं है वो तो छोड़ देगा ये बात, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनकी घर की हालत ठीक नहीं है, मतलब पूरा क्रिटिकल कंडीशन से मतलब एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, जो यहाँ तक उनके पेरेंट्स लोग मजदूरी करके यहाँ तक मतलब पढ़ा के लिखा के भेज देते, उनका क्या होगा आगे? वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होते हैं वो लोग। अब यहाँ से घर जाएंगे तो घर पे बोलेंगे कि आप लोग क्या बताएंगे? नहीं, नहीं सर, घर तो हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, एक तो हमारी अर्थी जाएगी या तो वर्दी जाएगी, ये तो हमने तय करके आए थे, जब दिल्ली में पाँव रखे थे हम तब भी ठान लिए थे अगर यहाँ से जाएगी एक तो हमारी अर्थी जाएगी या तो वर्दी के साथ हम घर जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे सर।
कसम खा रखी है, जुनून पूरा करके ही जाएंगे। सरकार बीच में आ रही, क्या करेंगे? क्या सरकार बीच में आके क्या करेंगे सर, बताओ? वैसे भी हम पर लाठीचार्ज होता ही रहता है, पुलिस वाले आते हैं धमका के जाते हैं कि चले जाओ दिल्ली छोड़ो, जैसे कि दिल्ली सिर्फ पुलिस वालों की है, हमारी कुछ है नहीं। दिल्ली है ना, दिल्ली है, राजधानी है हमारी, देश तो सबका है, हर किसी को हक है, संविधान के अनुसार तो हर कोई कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उतनी भी परमिशन SSC GD स्टूडेंट्स को नहीं है। क्या लगता है SSC स्टूडेंट जो है, हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं ना, इसलिए हमें यहाँ से भगाने की कोशिश चल रही है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।